हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस माउंट हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। 2400 घंटे मरीजों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा। दरभंगा शहर में वैसे तो अस्पतालों की कमी नहीं है, लेकिन लहेरियासराय में अभी तक मल्टी सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अभाव रहा है। लोगों को बेहतर इलाज के लिए दोनार, अललपट्टी और बेंता में भटकना पड़ता है। इसी चिकित्सीय अभाव को पूर्ण करने के लिए रविवार को लहेरियासराय स्थित लोहिया चौक के निकट माउंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन मंत्री मदन सहनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, उप महापौर नाजिया हसन के हाथों हुआ। इस अवसर पर दर्जनों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। माउंट अस्पताल में 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक, चाहे वह गायनी, महिला एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग और हड्डी रोग के हों, सभी आपको इस अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे। इसमें डॉक्टर साइदा प्रवीण, डॉक्टर जफर नवाज, डॉक्टर कुंदन कुमार, डॉक्टर एस के गुप्ता, डॉक्टर शम्स तबरेज, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर खुर्शीद आलम प्रमुख रूप से हैं। इस अस्पताल में ICU, PICU, NICU, वार्ड, OT आदि की भी उत्तम व्यवस्था है। मंत्री मदन सहनी ने अस्पताल के संचालकों को इस शुरुआत के लिए बधाई देते हुए कहा कि निश्चित रूप से अस्पताल लोगों के लिए बड़ी सौगात बनकर उभरेगा। इस मौके पर अब्दुल मन्नान केवटी, डॉक्टर मंजूर, मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर अनस, डॉक्टर अरशद अली, डॉक्टर वसीम अहमद भी उपस्थित थे। एक बात जान लीजिए, जो अस्पताल जिस स्तर का होता है मरीज भी उसी स्तर के आते हैं। तो समझ लीजिए, अब कोई आदमी बड़ा अस्पताल जो होगा कुछ नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन अब वहाँ लोग जाने से पहले अपने आप को तौल लेते हैं कि हम वहाँ इलाज कराने में सक्षम हैं कि नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। और कम खर्च में भी अच्छा इलाज हो सकता है। और हम लोग बहुत सारे ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, लेकिन दूसरे चिकित्सक से उनका फीस कम होता है। तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और हम लोग को भरोसा है कि जितने भी डॉक्टर हैं यहाँ, 5-6 डॉक्टर यहाँ रहेंगे लगातार, और आवश्यकता पड़ने पर कॉल किया जाएगा, तो सभी डॉक्टर चिकित्सक हैं, तो लोगों का इलाज के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है, तो उस बात का ख्याल रखते हैं। और हम लोग को भरोसा है कि कम खर्च में लोगों का बेहतर इलाज करें। डॉक्टर जफर नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, मैंने PMC से किया है और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ कम पैसों में और गरीबों का बेहतर इलाज हो, जो कि मेरा उद्देश्य भी रहा है कि मैं डॉक्टर इसलिए बना था कि मैं गरीबों का सेवा कर सकूँ। सोशल एक एक्टिविस्ट की तरह, मैं सोशल वर्कर की तरह एक मैं समाज का सेवा कर सकूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पर खड़ा हूँ। वहाँ पे बहुत सारी जो भी फैसिलिटीज़ है वो आपको अवेलेबल कराने की कोशिश की है और किया भी है, और जो भी लोग आएंगे तुरंत में सारी सुविधाएं मिलेंगी। और 24 आवर्स इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है, डिलीवरी जो जानते हैं कि इमरजेंसी होता है उसकी सुविधाएं बहुत अच्छे से की गई हैं। वो उम्मीद करते हैं कि आम जनता जो है इसका लाभ उठाए। सबसे पहले तो मैं ये जो अस्पताल जो खुला है, मैं इनको ढेर सारी दुआएँ या शुभकामनाएँ देती हूँ। उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि एक मैं खुद सोशल वर्कर हूँ। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरे साथ गांव और शहर के तो हैं ही, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर भी मुझसे रिकॉर्डिंग जो भी गरीब होंगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कंसल्ट करूँगी, आकर उनकी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर लग रहा है कि ये लोग है ना कुछ बेहतर करने का सोच लेके आए हैं, कुछ अच्छा मैसेज देने का। मैंने यहाँ बहुत ही अच्छी कोशिश की है। दरभंगा में तो बहुत सारा हॉस्पिटल है, बट गायनी, मेडिसिन और सर्जरी और पीडिया सब एक साथ बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल हैं, क्योंकि एक्लिम्सिया वगैरह का केस जो होता है ज़्यादातर यहाँ से रेफर पटना चला जाता है। इसलिए हमने सोचा कि मेडिसिन के साथ में गायनी और पीडिया तीनों को एक साथ जोड़ दिया। अब इसके लिए व्यवस्था भी रखा है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए CPAP, वेंटिलेटर, NICU वेंटिलेटर वगैरह का भी व्यवस्था रखा है। और इससे और भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे अच्छा व्यवस्था देंगे इंशाल्लाह।